Hey guys, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी या फिर NCA को लेकर कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NCA कैसे जाया जाए या फिर आप NCA में कैसे सिलेक्ट होते हैं। मैं खुद NCA जा चुका हूँ, NCAZ से मैंने खुद अपने 19 और 16 के टाइम पे किया था। तो क्या प्रोसेस होता है मैं उसको बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ होती है लोग बनाते हैं और उनको सही तरीके का प्रोसेस नहीं पता होता। और लेकिन आज जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है, रियलिटी क्या है, इस चीज़ को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर जाके क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें आपके शेयर करूँगा, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि जब आप स्टेट या जब भी खेलेंगे तो एक उस जगह पे अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस करें और आपको एक मोटिवेशन मिले। देखिए, NCA की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो कि बेंगलोर में है, ये सबसे बड़ी अकेडमी एक तरीके से मान सकते हो आप इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट कोचेस, टॉप मोस्ट ट्रेनर्स, टॉप मोस्ट फिजियोज होते हैं। यहाँ पे जो कोचेज होते हैं, कोई नॉर्मल कोचेज नहीं होते, वो 100-100 रणजी ट्रॉफी के मैच या फिर इंडिया प्लेयर ये सब रहते हैं। जब मैं NCA में गया था तो उस समय हमारे जो NCA के डायरेक्टर थे संदीप पाटिल सर थे, अभी NCA के जो डायरेक्टर है जो राहुल द्रविड़ थे, इससे पहले अभी जो VVS लक्ष्मण देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक इंटरनेशनल लेवल का जो ऑलरेडी इतने अचीव कर चुके सक्सेस, आप उनकी नज़रों में डायरेक्ट आते हो। और जो आपके जो कोचेज होते हैं वहाँ पे सारे टॉप मोस्ट क्रिकेटर होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं, साथ ही ट्रेनर भी टॉप मोस्ट होते हैं और फिजियो सब A to Z। आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो एक इंटरनेशनल लेवल के जो इतने खेल चुके हैं और आपको सक्सेस पा चुके हैं, वो सब वहाँ पे आपको सिखाने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि वहाँ पर जाया जाए कैसे, उस जगह पे ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है, वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है। अब वहाँ पर जाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप स्टेट टीम में सेलेक्ट होते हैं, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी है, आप स्टेट टीम में जाए सेलेक्ट हुए। एंड देन जब आप वहाँ पे मैचेस खेलते हैं तो जैसे अंडर 16 की अगर बात करूँ विजय मर्चेंट है, या फिर अंडर 19 की आप कूच बिहार ट्रॉफी है, अंडर 23 की CK नायडू ट्रॉफी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ है। इसके अंदर जब आप खेलते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इंडिया के टॉप प्लेयर्स में आते हैं जब आप वहाँ परफॉर्म करके, तो वहाँ से जब सीज़न हमारा ख़त्म होता है तो एक पूरा देखा जाता है किसने सीज़न में क्या परफॉर्म करा है, किस एसोसिएशन का है, फिर वहाँ से वो एक पूरी लिस्ट रेडी होती है 30 प्लेयर की। जैसे यहाँ पर सिर्फ 30 ही प्लेयर चुने जाते हैं, इससे ज़्यादा प्लेयर नहीं चुने, ऐसा नहीं होता कि 31-32 प्लेयर हो गए, यहाँ पर 30 टॉप 30 प्लेयर्स चुने जाते हैं एंड उनको कॉल किया जाता है उनके एसोसिएशन में, फिर वहाँ से उनको बुलाया जाता है एंड देन वो वहाँ पर जाते हैं कर्नाटक के। वहाँ पर आपके देन अगेन फिटनेस टेस्ट होते हैं, आपकी असेसमेंट्स होती है एंड वो सब चीज़ें होती है। तो ये चीज़ होती है, इसके बाद में क्या होता है, आपकी जब सारी असेसमेंट कर ली जाती है देन अगेन वहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी टी शर्ट पहनी हुई है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, इस तरीके के बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब ये सब चीज़ें कपड़े मिलते हैं और एक अलग खुशी होती है उस समय। ये चीज़ जब मैंने खुद एक्सपीरियंस करी तो वो चीज़ बहुत अलग होती है, मतलब आपको एक तरीके से नींद सी गायब हो जाती है, या कुछ आपको कुछ लगता है कि हाँ आपने कुछ अचीव करा है, और अलग अलग टी शर्ट, अलग अलग कपड़े, एक टॉप मोस्ट प्लेयर सब साथ में खेल रहे हैं, दोस्ती बनती है, नए नए कोचेस मिलते हैं, और आप सीधे सीधे अगर एक यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको बताऊँ, आप सीधे सीधे इंडिया के टॉप 30 लड़कों में हो, वहाँ अच्छा करते हो तो इंडिया अंडर 19 या इंडिया अंडर 23, इंडिया मर्जिंग, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो आप वहाँ पे परफॉर्म अगर आप कर गए तो आप समझिए कि आपको जरूर एक मौका मिलेगा। और आजकल तो अंडर 19 लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं और खेलने को मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है हर किसी प्लेयर की लाइफ में वहाँ पर जाके सीखने का और परफॉर्म करने का। क्योंकि सीखना वहाँ पर इतना आपको हर चीज़ एक्यूरेटली सिखाई जाती है कि आप कैसे एक अच्छा प्लेयर बने। ये जो कैंप होता है हमारा 30-45 डेज के बीच में हो सकता है एंड यहाँ पे पूरा सब चीज़ें देखी जाती है, मैनेज की जाती है, बॉलिंग स्किल, बैटिंग स्किल, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, न्यूट्रिशन, सब चीज़ें आपको यहाँ पे टॉप मोस्ट मिलती है। तो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि जब आप खेले तो एक टॉप परफॉर्म करने का वो रखें कि जब आप परफॉर्म करेंगे तो NCA जाएंगे, NCA के बाद ही आगे के रास्ते खुलते, जो अंडर 19, इमर्जिंग या 23 या जो भी होता है टूर्नामेंट्स, यहीं से वो रास्ते खुलते हैं। तो ज़रूर आप जाए खेले, परफॉर्म करें। कोई इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं और इसका जरूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियो बना के इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही चैनल पर बने रहे, थैंक यू सो मच।